गति भाग एक, सरल रेखीय गति। इस वीडियो में हम सरल रेखीय गति यानी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। चलो अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखते हैं। हम चलती हुई कार, टहलते लोग, उड़ते पक्षी इत्यादि देख सकते हैं। उन सब में एक चीज समान है, वो सब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसलिए वे सब गतिमान हैं। और अच्छी तरह से हम गति यानी मोशन का वर्णन कैसे कर सकते हैं? यदि एक वस्तु समय के सापेक्ष अपना स्थान बदलती है तो इसे गतिमान माना जाता है। लेकिन कभी कभी यह स्पष्ट नहीं होता कि वस्तु गतिमान है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी रेलगाड़ी में सफर कर रहे हो तो तुम्हारे अनुसार तुम्हारे आगे बैठा यात्री स्थिर है, लेकिन सड़क पर खड़े होकर कोई रेलगाड़ी को चलते हुए देख रहा है, उसके लिए वो यात्री गतिमान है। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की गति निर्धारित करते हैं, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। गति के कई प्रकार होते हैं, जैसे घूर्णन गति, सरल रेखीय गति, दोलन गति इत्यादि। हमें कुछ निश्चित मापदंडों जैसे तय की गई दूरी, लिया गया समय और गतिमान अवस्था में उसकी चाल को पता करना है। तो पहले हम रास्ते को मापने के बारे में बात करते हैं। रास्ते को मापने के लिए दो भौतिक राशियां होती हैं, दूरी यानी डिस्टेंस तथा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों राशियों में ठीक से अंतर समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ओ से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। हम स्टेशन ओ को निर्देश बिंदु मान रहे हैं। इसका पहला विराम ओ से 60 किलोमीटर दूर है। स्टेशन बी से ये 90 किलोमीटर यात्रा करके स्टेशन ए पहुंचती है। अब क्या तुम बता सकते हो रेलगाड़ी ने कुल कितनी दूरी तय की? रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई कुल दूरी 60 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर है, जो कि कुल 150 किलोमीटर है। विस्थापन के लिए हमें ये जानना होगा कि विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि रेलगाड़ी सीधी रेखा में चल रही है, तो विस्थापन दूरी के समान होगा, तो विस्थापन भी 150 किलोमीटर होगा। अब उसी दिन रेलगाड़ी को स्टेशन ओ पर वापस लौटना है। ये स्टेशन ए से प्रारंभ करके स्टेशन बी से होते हुए वापस स्टेशन ओ पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी है 150 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर यानी 300 किलोमीटर। अब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही है, इसलिए रेलगाड़ी का कुल विस्थापन शून्य होगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि दूरी और विस्थापन का क्या मतलब है। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई या चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। हमेशा याद रखो कि विस्थापन का परिमाण दूरी के समान या उससे कम होता है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लो कि तुम एक झूले की सीट पर बैठे हो और अभी तुम सबसे नीचे हो। इसके आधे चक्कर के बाद तुम झूले के सबसे ऊपर पहुंच जाते हो।
क्या तुम इसकी प्रारंभिक स्थिति से अपना विस्थापन पता कर सकते हो? यहाँ विस्थापन माने झूले का व्यास। एक बार फिर झूला घूमने लगता है। आखिर में जब ये रुकता है, तुम वापस झूले के सबसे नीचे पहुंच जाते हो। क्या तुम अब अपना विस्थापन पता कर सकते हो? यहाँ विस्थापन शून्य है, क्योंकि तुम्हारी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान है। इस वीडियो में हमने सरल रेखीय गति यानी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम एक समान गति और असमान गति के बारे में जानेंगे।